अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म से चांद सितारों का सफर करना है, इल्म से रात का आयाज अभी खुलना है, इल्म कलम में कहकशाओं में चमकता है, इल्म गर्दे जुबादलों में तो बरसता है, इल्म के सामने बेबस है जहालत की दलील, जब भी टकराती है ये इल्म से होती है दलील। एजुकेट अगर एक्सीडेंट चेंज द वर्ल्ड, सत्याधिकार औरत इस कायनात का जमालो शाहकार और दिलकश स्वरूप है, औरत माँ की सूरत में बेलौस मोहब्बत सजरदार दरख्त शफकतो हमदर्दी और इंसानो कुर्बानी की अनमोल दास्तान है, औरत बीवी की सूरत में खुलूस वफादारी और चाहत का हसीन अफसाना है, औरत बहन की सूरत में खुदा की नेमत है, तो बेटी के रूप में अल्लाह की रहमत है। सच तो ये है कि औरत ही इंसानियत की इज्जत है, इस्लाम ने औरत को ताकुस तरह से उठाकर फाकुस तरह तक पहुंचा दिया, औरत मुआशरे की पहचान है, औरत तालीम की बदौलत अपने मुआशरे को जहालत की तारीकी से दूर करती है, सजाने के बाद तालीम को ताकत है जिससे दरबारे खुदा बंदी में इंसानों की फजीलत फरिश्तों पर साबित की, तालीम एक लाजवाब दौलत है जो तकलीफ करने से कम होने के बजाय बढ़ती है, तालीम वो रोशनी है जो जहालत की तारीकी को मिटाती है, तालीम वो ताकत है जो इंसान को खुश शनासी से खुदा शनासी सिखाती है। सत्याली बकार इरशाद नबी है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, ख्वाब और मर्द हो या औरत। औरत तालीम के बदौलत अपने माशरे को तरक्की याफ्ता बना देती है, औरत तालीम की बदौलत मुल्क मिल्लत की तकदीर को सवार देती है, औरत तालीम की बदौलत अपने औलाद की इस्लाह बेहतरीन अंदाज में कर सकती है, औरत तालीम की बदौलत अपने नफ्स को सवारती है, क्योंकि मन अरब नफ्सहु फकत अरब रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। लेकिन एक अनएजुकेटेड वुमन इनमें से नाचना और गैर तरीका सवाल वो अपने वो मुआशरों को संवारना तो बहुत दूर की बात है, अपने बच्चों की इस्लाम भी बेहतरीन अंदाज में नहीं कर सकती, अपनी गुर्बत को नहीं खत्म कर सकती। सत्याधिकार दौरे इस्लाम में हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत सुमैया, हजरत हफ्सा और ऐसी बेशुमार मिसाली खवातीन मौजूद है कि जिन्होंने अपनी हिम्मत और जुर्रत और तदब्बुर और फरासत से जिंदगी के दरिये का रुख फेर दिया। किसी भी दौर में एक तालीम याफ्ता खवातीन ने न सिर्फ अपने घर को बल्कि खानदान को, सोसाइटी को, समाज को, हत्ता की नेशन और जनरेशन तक को सवार देती है, तरक्की याफ्ता बना देती है और ये ऐलान करती है कि मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो का पाला, मुझे फिक्र अपने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तो रूह हो रही हूँ तो वो रूह होने वाला। सरकारी अखबार किसी दाना का कौल है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दर्शगाह है, बच्चा जो कुछ इस दर्शगाह से सीखता है वो उसकी आइंदा जिंदगी पर असरअंदाज होता है। इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट ओनली एन इंडिविजुअल, इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ होल नेशन। अगर तुम एक मर्द को तालीम देते हो गोया एक फर्द को तालीम देते हो, जबकि अगर तुम एक औरत को तालीम देते हो गोया पूरी नस्ल को तालीम देते हो। सत्याधिकार मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वही कौम वही मुल्क इस जहाँ पर हुक्मरानी कर सकता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे होंगी। अगर किसी कौम की निस्फ आबादी खातिर पसमानदा होंगी तो वो कौम कभी भी तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकती। औरतों के लिए तालीम का हुसूल बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि दुनिया नहायत तेज रफ्तारी के साथ तरक्की के मनाजिर को तय कर रही है। औरतों की तालीम न सिर्फ खानदान की भला है बल्कि पूरे माशरे की तरक्की है। तमाम मजाहिब और तरक्की पसंद माशरों ने औरतों की तालीम को अपनी तरक्की का राज भी बताया है। जब इंसान जिगरे तालीम से आराम होता है तो वो वाकई इंसान बन जाता है। मर्दों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ जाए जो औरत तो नस्ले सवार दे, पढ़ जाए जो औरत तो नस्ले सवार दे। सत्याधिकार नबी करीम
नेपोलियन सेड, यू के एजुकेटेड वुमेन, आई विल गिव यू अ बेस्ट नेशन। तुम मुझे तालीम याफ्ता माइंड हो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। सत्यानी वकार औरतें ना सिर्फ तालीम की वजह से अपने मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जीत के झंडे को लहराती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब फातिमा पहली फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले कदम रखती है तो फिर दुनिया के हालात बदल जाती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब मदर टेरेसा लोगों की मदद करती है तो फिर एक इंकलाब बर्पा करती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब मलाला यूसुफजई चिल्ड्रन राइट्स के लिए आवाज उठाती है तो फिर नोबेल प्राइज को हासिल कर लेती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब एलिजाबेथ ब्लैकमेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल मरीजों को ठीक करते हैं तो फिर दुनिया में अमनो अमान का पैगाम देते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मारी क्यूरी साइंस की दुनिया में अपना कदम रखती है तो फिर नोबेल प्राइज हासिल करके अपने जीत का लोहा मनवाती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब एंटीना ट्रेस हुआ सुनीता विलियम और कल्पना चावला स्पेस में अपना कदम जमाती है तो फिर तारीख के औराक को झंझोड़ कर रख देती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब जुको टैगर पैसेंजरी पाल और अभिनेता सिन्हा कदम रखती है तो फिर पहाड़ों की चोटियों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है। तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने के ठान लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों का गुलाम बनाकर पूरी दुनिया को तरक्की याफ्ता बनाकर पूरी दुनिया को इजादात देकर पूरी दुनिया की खिदमतें करके ये पैगाम देते हैं कि इल्म ने हुने रगे जान लिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म सैयारों गहवारों अनजानों नहु, इल्म बेटे की नई कब्र पर मां के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबा हुसैन को यही सर करता है एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालीम को तलब से ही सिला देता है और जहल इंसान को उजहल बना देता है। आपकी समाचार किया।